हेलो दोस्तों, मैं विकास गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं अपनी इस YouTube चैनल बॉलीवुड पजल्स में। दोस्तों, अगर आप भी पजल्स और पहेलियों के शौकीन हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें ताकि आपको मिल सके हमारे वीडियोस की लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले। दोस्तों, ये हमारी बॉलीवुड पजल्स सीरीज का थर्ड पार्ट है। फर्स्ट और सेकेंड पार्ट के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम एक पजल सॉल्व करेंगे जिसे सॉल्व करने के लिए आपको 20 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको और समय चाहिए तो आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की पजल। एक बार गोपाल, माधव, लकी और लक्ष्मण नो एंट्री जोन में चले जाते हैं और वहां उन्हें पुलिस अरेस्ट कर लेती है। तब वे खुद को रिहा करने के लिए पुलिस से रिक्वेस्ट करते हैं। तब पुलिस उनके सामने एक शर्त रखती है कि उनमें से तीन लोगों को एक लाइन में खड़ा किया जाएगा और एक को किसी अलग कमरे में बंद कर दिया जाएगा, जिसे इन तीनों में से कोई नहीं देख पाएगा और ना ही वो इन तीनों को देख पाएगा। और चारों लोगों को एक एक कैप पहनाई जाएगी। इन कैपों में से दो कैप वाइट कलर की होंगी और दो कैप ब्लैक कलर की होंगी और चारों में से कोई भी खुद की कैप नहीं देख पाएगा। और लाइन में खड़े तीनों लोगों में से सभी अपने आगे वाले की कैप देख पाएंगे, मतलब लाइन में सबसे आगे वाला किसी की कैप नहीं देख पाएगा, दूसरे नंबर वाला पहले नंबर वाले की कैप देख पाएगा और तीसरा वाला पहले और दूसरे वाले की कैप देख पाएगा। और जो चौथा व्यक्ति है जिसे अलग किया गया है, वो ना तो किसी की कैप देख पाएगा और ना ही कोई उसकी कैप देख पाएगा। अब चारों में से किसी एक को अपनी कैप का कलर बताना होगा और हाँ, गलत बताने पर उन चारों को हमेशा के लिए जेल में डाल दिया जाएगा। तब वे चारों एक प्लानिंग करते हैं और पुलिस की शर्त को मान लेते हैं। फिर पुलिस लाइन में सबसे आगे गोपाल को खड़ा कर देती है, उसके पीछे माधव और उसके पीछे लक्ष्मण को खड़ा कर देती है और चौथी लकी को एक अलग कमरे में बंद कर देती है, जिससे इन तीनों का कोई कॉन्टेक्ट नहीं था। तब इन चारों में से कोई एक सही जवाब दे देता है और पुलिस इन चारों को रिहा कर देती है। अब आपको बताना है कि चारों में से किसने अपनी टोपी का रंग बताया होगा और आपका समय शुरू होता है अब। अच्छी तरह से देखें तो हमें पता लगता है कि गोपाल, जो कि लाइन में सबसे आगे खड़ा है, और लकी, जो कि एक अलग कमरे में बंद है, वे दोनों किसी की कैप नहीं देख पा रहे हैं और माधव केवल गोपाल की कैप देख पा रहा है और लक्ष्मण गोपाल और माधव की कैप देख पा रहा है। जैसा कि हमें मालूम है कि चारों कैपों में से दो कैप ब्लैक और दो कैप वाइट हैं, तो अगर गोपाल और माधव की कैप का कलर सेम हुआ तो लक्ष्मण अपनी कैप का कलर बता देगा, क्योंकि उसकी कैप का कलर उन दोनों की कैपों के कलर से डिफरेंट होगा। मतलब अगर उन दोनों की कैपें वाइट हैं तो उसकी कैप ब्लैक होगी और अगर उन दोनों की कैप ब्लैक हैं तो उसकी कैप वाइट होगी और वे चारों जेल से छूट जाएंगे। पर अगर गोपाल और माधव की कैप का कलर डिफरेंट हुआ, मतलब एक की कैप ब्लैक और एक की कैप वाइट हुई, तो लक्ष्मण कुछ नहीं बोलेगा। जब लक्ष्मण कुछ देर शांत रहेगा तब माधव समझ जाएगा कि उसकी और गोपाल की कैप का कलर अलग अलग है, इसलिए लक्ष्मण खुद की कैप का कलर नहीं बता पा रहा है। फिर वो गोपाल की कैप को देखेगा और अपनी कैप का कलर पता लगा लेगा। मतलब अगर गोपाल की कैप वाइट है तो उसकी कैप ब्लैक होगी और अगर गोपाल की कैप ब्लैक है तो उसकी कैप वाइट होगी, और इस तरह से वो अपनी कैप का कलर बता देगा और चारों लोग रिहा हो जाएंगे। तो इस पजल का सही जवाब लक्ष्मण या माधव होगा। तो दोस्तों, आपको हमारी आज की पजल कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।
और हमारी वीडियोस को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए देखते हैं आज की दूसरी भजन। राजू, फरहान और रेंचो तीनों दोस्त हैं और तीनों के पास एक एक बैग भी है। रेंचो के बैग में 1000 गोल्ड कॉइन्स, राजू के बैग में 700 गोल्ड कॉइन्स और फरहान के बैग में 300 गोल्ड कॉइन्स हैं। उन तीनों को एक नदी पार करनी है, पर उनके पास केवल एक ही नाव है जिस पर एक बार में सिर्फ दो ही लोग जा सकते हैं, या एक व्यक्ति और एक बैग जा सकता है। तो वे तीनों नदी पार कैसे करेंगे? और हाँ, शर्त यह है कि अगर किसी इंडिविजुअल को उसके हिस्से से ज़्यादा गोल्ड कॉइन्स मिल जाती हैं तो वो उन कॉइन्स को लेके भाग जाएगा। तो दोस्तों, इस पजल का जवाब हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे और आप अपना जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। धन्यवाद।